कपड़े की कतरन को कभी क्या आपने ऐसे यूज करा है? आज बनाएंगे एकदम अलग तरीके से छोटी छोटी कतरन से एक ऐसा आइडिया जिसको आप यूज करे बिना नहीं रह सकते। जी हाँ, एकदम अलग अनोखा तरीका। अपनी कपड़े की छोटी छोटी कतरन से बनाएंगे आज एकदम सॉफ्ट मखमली पायदान। आप इसी तरीके से और भी अलग अलग चीजें भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए बेस के लिए चाहिए आपको मोटा कपड़ा, तो आप बेडशीट या फिर इस तरीके का डेनिम का कपड़ा ले सकते हैं और इसको जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा साइज का ले लें। इसके अलावा आपको चाहिए कपड़े की कुछ कतरन, तो जो सिलाई करते हैं उनको पता है कि कपड़े की कतरन कितनी निकलती है, लेकिन अगर आप सिलाई नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप कपड़े की जो पुराने कपड़े होते हैं उनको छोटा छोटा पीसेस में कट कर लें। बेस के कपड़े को उल्टा कर लें, कर लूंगी, और उसके बाद देखिए कपड़े को उल्टे साइड पर ही हम इसको करेंगे। तो आपके पास ये जो भी हमने कट करे हैं कपड़े उनको एक के ऊपर ओवरलैप करते हुए रख लीजिए। आप चाहो तो एक साथ कई सारे कपड़े रख लीजिए, मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो देखिए ऐसे मैंने कपड़े रख रही हूँ कोई भी कलर के, आप बिना सोचे समझे बस आप रख दीजिए, आपके आपका पैटर्न अपने आप बन करके रेडी हो जाएगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमको कपड़े पर ध्यान नहीं देना है, हमको फुट पर ध्यान देना है। ये जो निडल के साइड में जो फुट होता है हमें बस उस पर ध्यान देना, हमें एक एक फुट पर ही चलना है। तो देखिए ये जैसे मैंने कपड़े रख लिए और हम बस सीधी सीधी लाइन चलेंगे और एक फुट पे चलेंगे तो अपने आप प्रॉपर स्टिचिंग होती रहेगी हमारी और कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए कपड़े रख रहे हैं और इस तरह से बस एक एक सिलाई इसमें लगानी है, एक एक फुट पे चलेंगे तो अपने आप पैटर्न बनता चला जाएगा। तो ये बिना मेहनत वाला आइडिया है, यहाँ पर कपड़े को कोई फोल्ड भी नहीं करना है, ना ही कोई इसका शेप देना है, बस ये जैसे भी हैं इनको बस ऐसे ही जॉइन कर लीजिए। हमने एक एक फुट की पूरी स्टिचिंग कर ली है और अब इसी को पलट देंगे, मतलब दूसरी लाइन करेंगे, तो दूसरा जब हम स्टिचिंग करेंगे तो फिर हम एक फुट का गैप रखेंगे और बस हम पूरा सीधे सीधे सिल लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरा चारों तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा रेडी हो जाता है और कपड़ा एकदम सिक्योर हो जाता है। तो आपको बस इतना ही इसी तरह से पूरा रेडी करना है। आप चाहो तो इसको जैसे मैं सीधी सीधी सिलाई इसमें आपको अभी दिखा रही हूँ आप इसी तरह से लगा सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज करना है तो आप क्या करिए कि देखिए जैसे चार सिलाई एक तरफ लगा ली, फिर चार सिलाई हम दूसरी तरफ लगाएंगे, ऐसे करके ना चारों कॉर्नर पे जब हम कर लेंगे तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा। फिर बीच में फिल करने की जगह जब आती है तो अपने आप पूरा स्टिचिंग जब हम करेंगे तो अपने आप स्क्वायर में बन जाएगा। ये देखिए एक तरफ का पूरा पैटर्न रेडी हो चुका है, एक लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी लाइन भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए चारों कॉर्नर्स के डिजाइन बन करके रेडी हो चुके हैं, अब बस रह गया बीच में सेंटर को फिल करना। और इसके लिए आपको बस देखिए कपड़े को इस तरह से रख लीजिए पूरा जो भी आपकी कतरन है, और आपको बस इसी तरह से स्क्वायर में डिज़ाइन बनानी है क्योंकि चारों तरफ से तो बन ही चुका है। अब आपको बस क्या करना है, जहाँ पे आपने जितना जगह बाकी है उसमें इस तरह से सिलाई चला लें। जैसे ही एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी अपनी निडल को फोल्ड करें, मतलब उसकी चाप उठा करके दूसरे कॉर्नर पे रख। इसमें कपड़े की कई लेयर्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें फैब्रिक पीसेस लगा रही हूँ तो आप एक साथ कई फैब्रिक पीसेस भी लगा सकते हैं, उससे ये और भी सॉफ्ट और भी फ्लफी बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप टर्न कर लीजिए
और आप इस तरफ से सिलाई लगा ले तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा। ना तो इसको बनाने में कोई फोम लगता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कपड़ा, सिर्फ जो बेकार पुरानी कपड़े की कतरन होती है उसी से बन जाता है ये खूबसूरत सा और बहुत ही मखमली डिजाइन। जी हाँ, पैटर्न एकदम अलग है और इससे ना बहुत ही सुंदर ये एकदम नया मोटिफ बन करके निकल आता है। तो देखिए, पूरा तो मैंने कर लिया कम्प्लीट। अब इसके बैक में कोई भी आप मैच करता हुआ कपड़े की पट्टी लगा लें, तो ये 5 इंच की है और बैक साइड से इसको पूरा स्टिच करके फिर पलट करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। जैसे नॉर्मल हम पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस इतना ही करना है और आपका पूरा डोर मैट बन करके रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बढ़िया सा है। कपड़े के चारों तरफ पट्टियों से इसको कवर कर देंगे, इसके कॉर्नर को स्टिच कर देंगे और इसको कर लेंगे कंप्लीट। तो पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए, मखमली पायदान रेडी है। आप इसको पायदान ही नहीं, आप इसको आसन, मैट, कालीन कुछ भी बना सकते हैं इस सिंपल पैटर्न से। जी हाँ, कपड़े की बहुत सारी लेयर्स लगाइए, कपड़ों की जो कतरने हैं उनको बहुत सारा ऐड करिए तो उतना ही सॉफ्ट और मखमली बन जाएगा। और पीछे से देखिए कितना फिनिश लुक आता है, क्योंकि इसमें सिलाई तरीके से करी गई है और ये बिल्कुल भी नहीं खुलता है। जी हाँ, आप इसको मशीन में भी वॉश करेंगे ऐसे ही रहेगा। तो ना तो चोटी बनाने की ज़रूरत है, ना ही क्रोशिया, ना ही कोई एक्स्ट्रा काम। जी हाँ, कोई फोम शीट नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको, ना ही कैची चलाना है। सिंपल बस जो भी पुरानी कतरने हैं उनसे बना इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन, और आप इसे अलग अलग चीज़ें बना करके इसको बेच भी सकते हैं। जी हाँ, इस तरीके के पैटर्न मार्केट में भी मिलते हैं जो कि बहुत महंगे मिलते हैं। आप पुराने कपड़े से बनाइए और इसको सेल भी करिए। तो ये छोटा सा और क्रिएटिव आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आइडिया आपके लिए यूज़फुल हो तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के अच्छे और यूजफुल वीडियो आपके पास आते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।